एल्विश यादव के इंस्टाग्राम स्टोरी पर कटारिया ने तोड़ी चुप्पी, एल्विश को किया एक्सपोज। एल्विश यादव ने अपने फैंस को किया ऐसा कंफ्यूज कि फैंस हुए हैरान। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। एल्विश को बिग बॉस से फॉलो करने वाले आज कन्फ्यूज़ होकर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। सिर्फ एल्विशा फैंस ही नहीं है, आर्मी हो या फिर एल्विश को चाहने वाले सभी लोग परेशान हो गए। इवन मैं आपको एक बात बता दूँ, एल्विश फैंस भी जितने लोग हैं सब अपने अपने पर्सपेक्टिव तैयार कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ की बातें कर रहे हैं। अब इस पर पहली बार कटारिया ने रिएक्ट किया है और कटारिया ने साफ कह दिया है कि एल्विश मजे ले रहा है और एक से बढ़कर एक काम दे रहा है। तीन अलग अलग स्टोरी, तीन बड़े नाम, तीन अलग अलग इमोजीज, बहुत सारे लोग, इवन मैं आपको एक बात बता दूँ आर्मी तक कन्फ्यूज हो गई है कि भाई किसका नाम ले रहे हैं। लेकिन एल्विश यादव को जो लोग पहले से पहचानते हैं, कटारिया ने कहा कि उनको पता है कि एल्विश कितना कंफ्यूज करता है अपने फैंस को। वो अपने फैंस से प्यार तो करता है लेकिन हमेशा ही एल्विश अपने फैंस को एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम दे देता है। एल्विश को पता है कि इस समय बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग एल्विश को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हर दिन नई गर्लफ्रेंड की बात, हर दिन नई नई लड़कियाँ। एल्विश यादव आज भी सिंगल हैं, एल्विश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पर्सपेक्टिव बना रहे हैं और एल्विश ने उनके मजे लेने शुरू कर दिए हैं। एल्विश टाइम टाइम पर यह सारी चीज़ें करता रहता है ताकि फैंस में भी एक एक्साइटमेंट बढ़ा रहे। लेकिन कटारिया ने क्लियर कर दिया है कि जितने भी लड़कियां को आप लेके आ रहे हो ना, किसी को भी रैंडम आप यूज़ मत कीजिए। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफाइल पर जाते हैं, ये पहले भी कई बार हो चुका है। अलग अलग प्रोफाइल को देखकर अलग अलग लड़कियों का नाम जोड़ना, एल्विश और मनीषा की दोस्ती बहुत अच्छी और हमेशा रहेगी। कटारिया ने यह भी कहा कि एल्विश भाई सिर्फ और सिर्फ ना फैंस के मजे ले रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आप लोग इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, इवन कई लोग के तो दिल भी टूट रहे हैं। कटारिया के पहले ये बात मैंने आपको भी कही थी लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। एक बात अगर आप ना मानो ना तो एल्विश का आज का व्लॉग जाकर देख लेना, ये वही वंश है जिसकी बिहार वाली गर्लफ्रेंड थी और आज भी ये वही वंश है जो आज कुंवारा घूम रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद एल्विश ने अपने व्लॉग में कहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो एल्विश का सरकाज़म किस लेवल का है, एल्विश किस तरीके से अपने फैंस को कन्फ्यूज़ करते हैं। हालाँकि एल्विश दिल के बहुत अच्छे हैं और एल्विश ने हमेशा से ही अपने फैंस को खुश किया है। इवन एंटरटेनमेंट की जब भी बात आती है तो राव साहब का टक्कर कोई नहीं ले सकता है। कटारिया ने कहा कि मैं उन सभी फैंस को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चिल कीजिए, मजे लीजिए, कुछ बड़ा एक्साइटमेंट आने वाला है और इसी तरीके से मस्ती तो चलती रहेगी। आप बताना कमेंट बॉक्स में कटारिया के इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।